हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव से आने वाले नीरज के बारे में सभी ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। और इन सब के बीच क्या आपको पता है नीरज चोपड़ा का बॉलीवुड में पसंदीदा हीरो आखिरकार कौन है? तो आपको बता दें कि भाई नीरज के गोल्ड जीतने के बाद उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है और बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक फिल्मों का चलन भी चल रहा है। 2018 में एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान नीरज से जब ये पूछा गया था कि भाई जैवलिन पर अगर फिल्म बनती है तो कौन सा एक्टर उनके किरदार को अच्छे से निभा सकता है, और इस पर नीरज ने कहा कि देखिए अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो वो हरियाणा के रणदीप हुड्डा को पसंद करते हैं और इसके अलावा अक्षय कुमार भी उन्हें काफ़ी पसंद है। यानी कि गोल्डन बॉय को रणदीप हुड्डा और अक्षय कुमार दोनों ही पसंद है और वो चाहते हैं कि आखिर उन पर कभी अगर फिल्म बनी तो रणदीप और अक्षय कुमार में से कोई एक उनका किरदार निभाए। वैसे सोशल मीडिया पर तो अक्षय नीरज चोपड़ा की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अक्षय कुमार नीरज की बायोपिक को अच्छे से बना सकते हैं। वैसे आपको ये ज़रूर बता दें कि भाई नीरज की शानदार जीत पर रणदीप हुड्डा और अक्षय कुमार दोनों ने ही उनकी जीत पर खुशी जाहिर की थी। अक्षय ने तो बाकायदा ट्वीट कर लिखा था कि इट्स अ वेरी गोल्ड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा ऑन क्रिएटिंग हिस्ट्री, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिलियन टीयर्स ऑफ जॉय, वेल डन। वहीं इसी के साथ साथ रणदीप हुड्डा ने लिखा था, मैंने तो पहले कह दिया था कि भाई नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया अपना दम दिखाकर ही आएंगे। तो आपको बता दें कि भाई नीरज की इस जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार समेत बड़े बड़े राजनेता भी नीरज चोपड़ा को बधाइयां दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीरज चोपड़ा की अगर बायोपिक बनती है तो उसमें अक्षय कुमार या फिर रणदीप हुड्डा दोनों में से कौन सा एक्टर उनके इस किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार सकता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।